अच्छा तो यहां है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूँ। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान, करो वार। युवराज मेघनाथ, ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युज्जवा, हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। ये दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट। ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र, हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों? प्रतीत होता है मेघनाथ पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त होने को है किंतु यह वानर हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को विफल करके रख दिया हनुमान ने। पता नहीं कितनी असीमित शक्तियों का स्वामी है ये। ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हो उसे उसका मनोबल तोड़ के ही पराजित किया जा सकता है मेघनाथ जी। ठीक है, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। जाओ विद्युज्जवा, मायावी सीता को प्रकट करो। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। स्वामी हनुमान, कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है? यहाँ आके छुप गए हो भीरू कायर,
इतने भयभीत हो गए तुम? तो चुवानर, भयभीत तो अब तुम हो जाओगे इन्हें यहाँ देखकर। एक भेंट लाने गया था मैं तुम्हारे लिए। क्या हनुमान, इसे सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो ना तुम सब? और इसी के लिए तुमने मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के प्राण हरे। अब देखना, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही मैं सीता के प्राण हरूंगा। स्वामी! माता! यवानर तो निष्प्राण हो गया। आकाश से कुछ नीचे की ओर गिर रहा है। ये तो हनुमान है। हनुमान, ये हनुमान को क्या हो गया? अवश्य उस दुष्ट मेघनाथ ने हनुमान पर कोई मायावी प्रहार किया है। हनुमान, मैं आ रहा हूं। अब करता हूं वानर राज सुग्रीव का अंत। माता, ये क्या हो गया? माता, तलवार, मेघनाथ ने माता को तलवार से, मेघनाथ ने माता को तलवार से।
हनुमान पुत्र रक्षा करो मेरी स्वामी। मनोबल टूटने से बलहीन हो चुका है ये वानर, और अब अपने इस बाण से मैं इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। माता। किसने विफल किया मेरे प्रहार को? अब कोई नहीं बचा पाएगा इस वानर को मुझसे। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी आप हनुमान जी को संभालिए, मैं इस मायावी राक्षस को संभालता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सब स्वयं ही मेरे समीप आ रहे हो। पिताश्री ने कहा था कि युद्ध के प्रथम प्रहर तक एक योद्धा की मृत्यु आवश्यक है, और अब मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। हनुमान क्या हुआ? हनुमान बोलो, हनुमान बोलो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो हनुमान क्या हुआ, कुछ तो कहो हनुमान, बोलो हनुमान बोलो। हनुमान बड़े भैया की तुम्हें प्रभु श्री राम की शपथ है, बताओ मुझे क्या हुआ? लक्ष्मण भैया वो मेघनाथ ने वो माता अर्थात माता सीता। क्या हुआ है माता को, बोलो हनुमान। उस मेघनाथ ने माता सीता का वध। नहीं ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर कि ये कैसे होने दिया मैंने। माता को वचन दिया था मैंने, प्रभु को लेकर आऊंगा, उन्हें मुक्त कराऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं। प्रभु को भी बहुत आशाएं थी मुझसे, क्या कहूंगा मैं उनसे। मैंने ही प्रभु के मन में आशाएं जगाई थी कि शीघ्र ही मिलाऊंगा मैं उन्हें माता से। उनकी आशाएं कैसे तोड़ू मैं, कैसे तोड़ू मैं। ये कैसे हो गया लक्ष्मण भैया, मेरे
नेत्र क्यों नहीं फूट गए ये सब देखकर? सब समाप्त तो हो गया, नष्ट हो गया, सब सब व्यर्थ हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है माता सीता को, ऐसा नहीं हो सकता। कदाचित ऐसा नहीं होता लक्ष्मण भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ और मैं जब तक कुछ कर पाता सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। प्रभु, वहां मेघनाथ और विद्युत जीवा वानर सेना पर संकट बने हुए हैं। हनुमान भी विक्षिप्त अवस्था में है। प्रभु, कोई अनिष्ट ना हो जाए। कोई अनिष्ट नहीं होगा विभीषण जी, विजय अंततः धर्म का साथ देने वालों की ही होती है। किंतु प्रभु, ये सब कुंभकर्ण के साथ हुए युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, स्मरण है ना आपको? फिर अकस्मात ही सब परिवर्तित हो गया था, यहां भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होते होते अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, वो अब नहीं है। मां के वो चरण जो बड़े भैया को वरमाला पहनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े थे, जिनके दर्शन कर मुझे प्रथम बार देवर होने का सुखद आभास हुआ, कभी पुष्पों के मार्ग पर चलकर अयोध्या में पड़े थे, परंतु समय आने पर उन्हीं कोमल चरणों ने मेरे पिता तुल्य बड़े भाई का साथ निभाया, वन के उन कंटकों भरे मार्ग को चुनना स्वीकार किया, जिन चरणों का आशीर्वाद पाकर मुझे वन में भी माता कौशल्या, माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ। उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। कह दो हनुमान, ये मिथ्या है, भ्रम है। यह सत्य ही होता तो ठीक था, परंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं भ्रम है? मुझे क्षमा कर दो, मैं करबद्ध विनती तुमसे करता हूं हनुमान, ये समाचार तुम्हें ही देना होगा।
प्रभु, आपका ये सेवक आपको हृदय विदारक समाचार से कैसे अवगत कराएगा? उस दुष्ट मेघनाथ ने अपने एक ही वार से अंत कर दिया माता सीता का, छीन लिया प्रभु के जीवन का आधार। ये दुखद समाचार कैसे दूं मैं प्रभु को, कैसे दूं मैं? परंतु हनुमान, हम ये दुखद सत्य प्रभु से छिपा भी नहीं सकते हैं। ये दुखद सत्य हमें उन तक पहुंचाना ही होगा। समाप्त किया मैंने, और अब इन वानरों को भी समाप्त करूंगा मैं। युवराज मेघनाथ, इन तुच्छ वानरों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रहर समाप्त होने को है। चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र और कर दीजिए एक ही वार में इस युद्ध का अंत। ये राक्षस पुनः कुछ अत्यंत अनिष्टकारी करने की योजना में है, हमें इसे रोकना चाहिए। इन वानरों को मैं रोकता हूँ, आप अपने अस्त्र का प्रहार कीजिए कुमार मेघनाथ। वानर छोड़ दे, नल तुम्हें कुछ नहीं कर दे देगा मेघनाथ। हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई कपट षड्यंत्र मेघनाद। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरो। इन वानर महायोद्धाओं का उत्साह और वीरता देखकर मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं कि शीघ्र ही युद्ध में विजय पाकर हम देवी सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। सीता वध समाचार के लाई, प्रभु से हनुमत विवश थे भाई। को बचना किंतु ये सुनाए, आस को तोड़े मन को दुखाए। सियाराम सियाराम जय हनुमान। विलग्न हो ब्रह्मा ब्रह्माणी, श्री हरि रमा महादेव भवानी। अलग भय क्यों राम वैदेही, केहु विधान विधि ने देखी। सियाराम सियाराम जय हनुमान। सीता माता से मिलन की आस ही तो प्रभु के जीवन का स्रोत है, उसी आशा की किरण को हर मैं अभागा उनके जीवन में निराशा का अंधकार लाने पर विवश हूं। अरे हनुमान, तुम अवश्य कुशल लौटोगे,
मुझे पूर्ण विश्वास था। परंतु तुम वहां इतनी दूर क्यों रुक गए? समझ गया मैं। सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके भावुक हो रहे हो तुम और अपनी भावनाओं के अतिरेक को मुझसे छुपा रहे हो। संकोच ना करो हनुमान, मेरे सभी भाव हनुमान उस पल की कल्पना कर भावुक तो मैं भी हो उठता हूं, परंतु अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाले हैं और फिर तुम्हारे निरत प्रयत्नों के बिना ये कहां संभव था। मेरी हताशा के क्षणों में तुमने अपने बल और धैर्य का परिचय देकर मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया हनुमान। परंतु आज आपका हनुमान भी विचलित है प्रभु, प्राण घाते बाढ़ के समान मेरे शब्द आज आपका हृदय भेद देंगे। ये ज्ञात होने पर भी कैसे बताऊं आपको कि मेरे इन नेत्रों ने माता सीता को किस अवस्था में देखा है। क्या बात है हनुमान? देवी सीता का नाम सुनते ही तुम्हारा मुख 100 सूर्यों के समान दमकता है। आज मेरे मुख से उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा का भाव क्यों है? किसी भी विपत्ति में ना घबराने वाले, सदैव सबका उत्साह वर्धन करने वाले महाबली हनुमान आज स्वयं मस्तक झुकाकर रुदन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है हनुमान? कहो हनुमान, किस अवसाद ने घेरा है तुम्हें जिसे तुम शब्दों में व्यक्त करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हो? हनुमान, मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। कहीं हमारे किसी मित्र या योद्धा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? प्रभु, हनुमान कहीं मेरे लक्ष्मण को? नहीं प्रभु। रामन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ हनुमान? नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे नेत्रों से निरंतर बहते अश्रु किसी बड़े अशुभ का संकेत है। प्रभु शीघ्र बताओ हनुमान, तुम इतने द्रवित क्यों हो? प्रभु, वो दुष्ट मेघनाथ ने माता सीता Oh, my God.
दो मेरी सीता को। बोलो हनुमान, क्या हुआ मेरी सीता को? सीता का नाम लेकर हनुमान इस तरह क्यों बिलख रहे हैं? जैसे किसी नवजात शिशु को बलात् किसी ने उसकी माता के आंचल से उसे विलग कर दिया हो। माता सीता, माता सीता, यही तो कहा था हनुमान ने। नहीं नहीं हनुमान, यह असंभव है, यह असंभव है। जब तक उनका राम जीवित है, सीता को कैसे कोई यहां जा सकती है? असंभव है ये। प्रभु, उस अधर में मेघनाथ ने माता सीता का माता सीता का वध कर दिया। प्रभु, सीता का वध? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जल बिन सागर, जल बिन पेड़, जल बिन मेन। वैसे सीता रहित राम का जीवन निस्सार है। एक दूसरे के पूरक दो शरीर अवश्य हम दोनों, परंतु एक प्राण है हम दोनों। यदि सीता नहीं रही तो ये राम निष्प्राण क्यों नहीं हुआ? ये संभव नहीं है, नहीं है ये संभव। लक्ष्मण, तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हनुमान ऐसा कैसे कह रहा है? तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। बोलो लक्ष्मण। आपसे असत्य कैसे कह सकता है हनुमान? हनुमान स्वयं उस घटना का साक्षी है, उस दुष्ट पापी मेघनाथ ने माता सीता का। राम सिया स्मृति में खोई, भावुकता मह लोचन रोई। हनुमत शोकाकुल संतप्ता, स्वयं को दोषी मान दुखिता। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। मेघनाद माया जो प्रयोगी, वेदना प्रबल श्री राम ने भोगी। जो जो रघुबर जान की ध्याए,
दुख तब क्रोध में बदलो जाए। सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाथ, उसके अधर्मी पिता रावण और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना। हटो वानरो, तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरो। किसी दिव्यास्त्र का आह्वान करने वाला है, परंतु उसके पूर्व ही मेघनाथ अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर देगा। अब और क्रीड़ा नहीं करूंगा मैं। अपने पिताश्री को दिया गया वचन निभाऊंगा। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम इसका संधान करो, चला दो नर वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाए। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस।